हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम है गुनिका। मैं आपका स्वागत करती हूँ मामापीडिया चैनल पे। आज मैं आपसे बात करूँगी हॉलीडे पैकिंग चेकलिस्ट के बारे में, जब आप अपने न्यूबॉर्न बेबी के साथ घूमने जा रहे हो। पर इससे पहले कि हम आगे बढ़े, हमारे चैनल पे सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन पे क्लिक करें। जनरली जब एक न्यूबॉर्न बेबी घर में आता है तो न्यू पेरेंट्स जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा थक जाते हैं, तो वो क्या करते हैं, वो नए नए हॉलीडे ऑप्शन ढूंढना शुरू कर देते हैं। कुछ पेरेंट्स तो बच्चे के पैदा होने के कुछ महीने में ही घूमने चले जाते हैं और कुछ कई सालों तक जा भी नहीं पाते। तो आज मैं आपसे बात करूंगी कि जब आप अपने बच्चे के साथ हॉलीडेज पे जाने हो तो आपको क्या क्या सामान लेके जाना चाहिए। बच्चे के कपड़े, जूते, मिटन्स, डायपर्स और ऐसी काफ़ी सारी चीज़ें। सबसे पहली चीज़ जो आपको रखनी चाहिए वो है डायपर्स। आपको बहुत 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 सारे डायपर्स अपने साथ लेके जाने चाहिए अगर आप ट्रैवल कर रहे हैं तो। अगर आपको सिर्फ अपनी जर्नी के हिसाब से डायपर्स लेके जाने हैं तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप एक डायपर हर 4 घंटे के हिसाब से रखें और उसके ऊपर 7 से 8 डायपर्स एक्स्ट्रा रख लें। दूसरी चीज़ जो आपको रखनी चाहिए अपने साथ वो है डायपर चेंजिंग बैग। जब आप ट्रैवल कर रहे होते हैं, एक साफ सुथरी जगह डायपर चेंज करने के लिए ढूंढना बहुत ही मुश्किल है, तो इससे बेटर है आप एक सॉफ्ट और कंफर्टेबल डायपर चेंजिंग मैट अपने बच्चे के लिए हमेशा साथ रखें। तीसरी चीज़ जो आपको रखनी चाहिए वो होता है सैनिटाइजर। जब आप ट्रैवल कर रहे होते हैं, सबसे मुश्किल चीज़ होता है एक साफ वॉशरूम ढूंढना, और अपने छोटे बच्चे के साथ आपको अपनी हाइजीन का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए, इसीलिए सैनिटाइजर्स यूज़ करते रहना चाहिए ताकि आपके हाथ और आपके बेबी के हाथ हमेशा साफ रहे। चौथी चीज़ जो आपको अपने साथ हमेशा रखनी चाहिए वो होता है बेबी वाइप्स। ट्राई करें अपने बच्चे के लिए हमेशा बैम्बू बेस्ड बेबी वाइप्स साथ रखें, ताकि जब आप उसका डायपर चेंज करें उसके डायपर पे रैशेस ना हो, क्योंकि बैम्बू बेस्ड वाइप्स जो होते हैं वो बच्चे की स्किन पे बहुत ही टेंडर और जेंटल होते हैं और उनसे रैशेस कभी नहीं होगा। पाँचवीं चीज़ जो आपको रखनी चाहिए वो है डायपर रैश क्रीम। जो भी डायपर रैश क्रीम आप अपने बेबी के लिए यूज़ करते हैं, आप उसको लेके जाना ना भूलें, क्योंकि शायद जो ब्रांड आप यूज़ कर रहे हो वो हर जगह अवेलेबल ना हो। नेक्स्ट चीज़ जो आपको लेके जानी चाहिए वो है बेबी फूड। अगर आपके बेबी ने सॉलिड फूड खाना शुरू कर दिया है तो जो बेबी फूड मिक्सेस है वो हमेशा साथ रखें। ट्राई करें उसको ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेश खाना दें, नहीं तो जो बेबी फूड होता है वो हमेशा हैंडी आएगा आपके लिए। नेक्स्ट चीज़ जो आपको रखनी चाहिए वो है अपनी बेबी की फीडर बॉटल्स, बेबी के सिपी कप्स, निपल्स या और ऐसे जो भी बर्तन आपके बेबी को अच्छे लगते हों वो हमेशा अपने साथ कैरी ज़रूर करें। इसके अलावा आपको हमेशा सोप कैरी करना चाहिए अपनी बेबी की बॉटल, फीडर, निपल्स, कप्स, ये सब चीज़ें धोने के लिए। और एक बहुत ज़रूरी चीज़ जो आपको हमेशा कैरी करनी चाहिए वो होता है मॉस्किटो रिपेलेंट्स। हमेशा डीट फ्री मॉस्किटो रिपेलेंट ही यूज़ करना चाहिए अपने बच्चे के लिए। आसपास बहुत मच्छर होते हैं और हम नहीं चाहते हमारे बेबी के पास मच्छर बिल्कुल भी आए। नेक्स्ट चीज़ जो आपको हमेशा कैरी करनी चाहिए वो है आपके बेबी की फर्स्ट एड किट। आपके बेबी की कोलिकेट मेडिसिन, कोई फीवर या कोल्ड की मेडिसिन या और भी कोई बॉडी पेन मेडिसिन जो होती हैं वो आपको हमेशा कैरी करनी चाहिए साथ में। नेक्स्ट चीज़ जो आपको कैरी करनी चाहिए वो है प्लास्टिक बैग्स और न्यूज़पेपर्स। बहुत 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 सारे न्यूज़पेपर्स हमेशा कैरी करनी चाहिए, क्योंकि वो डिस्पोज ऑफ करने के लिए बहुत काम आते हैं। जैसे आपको डायपर फेंकना हो या कोई और चीज़ फेंकनी हो या गंदे कपड़े आपको अलग रखने हो, हमेशा न्यूज़पेपर्स और प्लास्टिक बैग्स कैरी करनी चाहिए। नेक्स्ट थिंग जो आपको कैरी करना चाहिए वो है बेबी के स्नैक्स। अगर आपका बेबी सॉलिड फूड पे है तो उसके लिए हमेशा फिंगर फूड्स कैरी करें, ताकि जब बेबी क्रैंकी हो रहा हो तो आप उसको फिंगर फूड दे सकें। नेक्स्ट थिंग आता है ब्रेस्ट पंप। अगर आप ब्रेस्ट पंप रेगुलरली यूज़ करते हैं तो उसको लेके जाना ना भूलें। नेक्स्ट थिंग आता है इलेक्ट्रिक केटल। इलेक्ट्रिक केटल बहुत ही फ़ायदेमंद चीज़ होती है जब आप ट्रैवल कर रहे होते हो। आप उसके साथ पानी गर्म कर सकते हैं। अगर आपको अपनी बॉटल धोनी है तो आप पानी गर्म करके उसको धो सकते हैं। अगर आपको कोई खाना बनाना है तो आप उसमें गर्म पानी करके बना भी सकते हैं। तो इलेक्ट्रिक केटल जैसी चीज़ बहुत ही हैंडी आती है जब आप ट्रैवल कर रहे हो। सबसे आखिरी चीज़ जो मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहती हूँ वो है बच्चे के बाथ प्रोडक्ट्स, टॉयलेट्रीज और टॉयज। बच्चे के बाथ प्रोडक्ट्स हमेशा कैरी करने चाहिए, स्पेशली जब आप कोई पर्टिकुलर ब्रांड ही फॉलो करते हो, बिकॉज ज़रूरी नहीं है जो ब्रांड आप यूज़ करते हो वो आपको हर जगह अवेलेबल हो। याद रखें कि बच्चे का बेबी वॉश, मॉइस्चराइज़र, क्रीम, शैम्पू जैसी और टॉयलेट्रीज आप हमेशा अपने साथ कैरी करें। याद रखें, बच्चे के फेवरेट टॉयज लेके जाना कभी ना भूलें, बिकॉज बच्चों को अपने टॉयज के साथ एक अटैचमेंट हो जाती है।
आई होप आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो। ऐसी और जानकारी भरी वीडियोस के लिए देखते रहिए हमारा चैनल ममापीडिया। थैंक यू।